Hello everyone, hope you all are doing absolutely fine and thank you so much for watching. How's you? Okay, तो hope आप लोग जहाँ भी होंगे safe होंगे, ठीक होंगे, क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ safe हूँ, ठीक हूँ. और like हाँ, मैं bore होती हूँ, but सब होते हैं यार, सब हो रहे हैं, और not a big deal. हम लोग ये सफर साथ में पूरा करेंगे. Okay. तो आज का वीडियो काफ़ी अलग होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा मेरी बाकी वीडियो से. नंबर वन, हम मेरे घर में शूट कर रहे हैं. नंबर टू, हम बाहर का कुछ नहीं खाने वाले. नंबर थ्री, आप देखोगे कि मैं अपने दिन में कितनी प्रोडक्टिव हूँ, कितनी आलसी हूँ, और क्या क्या बोलती हूँ. इफ यू आर रेडी तो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. एंड वेट, हो सकता है कि आपको मेरी सारी वीडियो मेरे एक इसी स्पॉट पर देखने को मिले, क्योंकि मेरे घर में एक लौता ऐसा स्पॉट मिला मुझे. पहले पहली बार तो खाली मिला, क्योंकि सब है घर में, तो इधर से कोई आवाज़, उधर से कोई आवाज़, तो बहुत ही मुश्किल से मैंने ये जगह ढूंढी है. और ऐसी जगह जहाँ मैंने मुंह पे लाइट आ रही है, तो आई कैन शूट हेयर ना इजीली. मैं अपनी कॉफ़ी पी चुकी हूँ. अब खाने टाइम पर आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खाना खाने वाली हूँ. ओके, तो मैंने सोचा कि कुछ फालतू काम करने से पहले मैं अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लूँ. और मेरे असाइनमेंट होते हैं जैसे कि मूवी रिव्यू लिखना, बुक रिव्यू लिखना. पहले आप उन बुक्स को, उन मूवीज़ को देखेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ करेंगे. तो लेट्स सी कि मैं मेरे असाइनमेंट्स क्या क्या होते हैं. मैं अपना असाइनमेंट शुरू करने जा रही थी और एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा मैसेज मुझे आ रहा त्रिपाठी की तरफ से आया. क्योंकि जब मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या शूट करूँगी, क्या बनाऊँगी, तो मैं इन लोगों से आइडियाज़ मांग रही थी. और आर्या त्रिपाठी ने कुछ भेजा है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ. आप उसके पीछे गम देखो, मतलब ओ गॉड, हम कितना कुछ सह रहे हैं गाइज, ओ गॉड. वेट, लेट मी प्ले. लाइफ मेरा क्वारंटाइन कर दो और लोगों को बता दो कितना काम चल रहा है चुटियों की तरह. और अभी ये भी पक्का नहीं है कि बचेंगे, कि क्या होगा, कि एग्जाम्स होंगे, कि क्या होंगे, लेकिन काम सारे करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा मैं लोग चाहती हूँ. हाँ यार, काम तो हमें सारे करने हैं और कुछ ज़्यादा ही काम है यार. कितना कुछ क्या करूँ मैं, एक दिन में पूरी किताब रीड कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती. बट हाँ, ये कुछ हैं खास लोग जो कर लेते हैं, बट मैं नहीं कर पाती यार. एक दिन में कैसे मैं बुक रीड कर लूँ? आई नो दैट ठीक है, किताब मुझे पहले रीड करनी थी, मैंने करी है, बट कैसे लिखूँ, स्ट्रक्चर लिखना है और पता नहीं क्या क्या लिखना है. हम सब परेशान हैं, मैं अकेली नहीं हूँ. सो यार, अब हम ये भी सुन चुके हैं, तो बिना किसी देरी के हम अपना काम शुरू करते हैं. और करते हैं काम शुरू. जाने कब यार तू हो गया, यारी तो बस चाहिए थी पर प्यार क्यों हो गया. ओके, वेल गाइस, मैंने न्यूज़पेपर के लिए मेरा पहला आर्टिकल खत्म हो चुका है. नॉट हैप्पी क्योंकि अभी बहुत सारे असाइनमेंट और बाकी हैं. तो मैं बताती हूँ, मेरा पहला असाइनमेंट है ये. पहला तो नहीं, मतलब देखो देखो, दिख रहे हैं मेरे रिश्तेदारों को. नाउ कम बैक टू मी. ओके, तो ये है छोले भटूरे, सीताराम और दीवान चंद के छोले भटूरे, जो कि है पहाड़गंज में. और इट्स डैम टेस्टी. अगर आपने दिल्ली में रह के छोले भटूरे नहीं खाए ना, तो प्लीज़ आपके और मेरी दोस्ती नहीं है, प्लीज़ जाओ और खाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं. और ना ये बहुत पुराने हैं और बहुत फेमस हैं. आप हारगंज और आर के आश्रम मार्ग पे आप उतरो और जाओ. दूसरी साइड से जाओगे तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पड़ेगा और बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, हद से ज़्यादा. तो आर के आश्रम मार्ग से जाओ, खाओ, ट्राई करो और बताओ कि आपको कैसे लगे. वेल गाइस, बुक रिव्यू भी कम्प्लीट हो चुका है और मैं बुक्स के लिए ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं बुक रीड करती हूँ लेकिन कम. बट अगर आपको और ज़्यादा कुछ जानना है किस टाइप की बुक मैं रीड करती हूँ, मतलब और ऐसा कुछ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन दे लो और मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस टाइप की बुक रीड करती हूँ और ऑथर्स मेरे कौन से फेवरेट हैं. बिकॉज
अब मैं काम कर चुकी हूँ और भी करना है, बट यहाँ जितना करना था फिलहाल के लिए उतना मैंने कर लिया है। मैंने अपना फूड रिव्यू, अपना बुक रिव्यू लिख दिया है, मेल कर दूँगी बाद में। या इट्स 2:30 और मुझे लग रही है भूख। मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाया है, और खुशबू तो कुछ अच्छी सी आ रही है, तो फिर मैं आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। वाह बीबी, मेरे खाने में है लुक इट्स पूरी, सीताफल की सब्जी, आलू की सब्जी और खाने की जान रायता। ठीक है, अब अपना खाना इंजॉय करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, फिर आपसे मिलेंगे। है ना, पूड़ियाँ खा रही हूँ, शाम को करेंगे वर्कआउट और फिर थोड़ा सा कम कर लेंगे। बट या वेल, मैं खाना पीना खा चुकी हूँ और अब मैं हो रही हूँ काफ़ी ज़्यादा बोर, तो अब हम जाएंगे यूट्यूब पे कुछ देखेंगे। अच्छा, मैं तो सोच रही हूँ ना बीबी भैया की नई वीडियो आई है, तो हम क्यों ना वो देखें जाके, तो चलते हैं वही देखते हैं। लेट्स गो। वेल, वेलकम बैक टू माय परफेक्ट प्लेस विद परफेक्ट लाइटिंग। एनीवेज, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी ने ये वीडियो देखी नहीं होगी, क्योंकि कौन नहीं देखता भाई बीबी भैया का वीडियो, कौन नहीं देखता, और कौन नहीं देखता तो काहे नहीं देखत हो। अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज देखो, काफी फन है, काफी मजा है, काफी हंसोगे। तो हम भी देखते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहाँ है ये रहा, दोनों से कर रहे हैं। अरे वो चीयर लीडर, तुम्हारा साथी कहाँ है? अच्छा बेंचो ओड़दास, सर वो तो आने वाला था, मुझे बोल रहा था कि मैं आने वाला हूँ, आता ही होगा। हाँ बड़े लोग हैं, सुनो उन दोनों की संगत छोड़ दो, मेरा कहा सुनो, बढ़िया नंबर दूंगा। बोलो चाहिए? हाँ बना रहा हूँ कॉफी। बोलो चाहिए? हाँ सर चीनी 2 चम्मच। बढ़िया नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ चाहिए चाहिए, दूर रहो फिर उनसे। एक तो ये लॉकडाउन के चक्कर में मेरा पूरा घर मेंटल हॉस्पिटल बन चुका है, पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, वो भी फुल वॉल्यूम पे। उससे बचने के लिए अपने कमरे में आता हूँ तो बीवी कहती तुम हमसे प्यार नहीं करते। अरे प्यार नहीं करता तो वो मसक अली का रिमिक्स सुन के टीवी नहीं तोड़ देता। सोचा था आराम करूंगा, पर ये थोड़ी पता था पूरा दिन कपड़े। तो आप लोगों ने मस्त अली का रिमिक्स सुना? भाई साहब इतना बुरा है वो, इतना बुरा है वो। और प्लीज ऐसे गंदे गाने बनाना बंद कर दो यार। और हाँ, उससे मुझे याद आया, क्या आपने रिवॉइव म्यूजिक का बेताबियां सुना? लाइक भाई काफी ज्यादा अंडररेटेड गाना है वो, प्लीज ठीक है ना, जाके सुनो उसको और बताना मुझे क्या आपको कैसा लगा वो गाना, मैं उसको वो बता दूंगी फिर। हम जैसा को पड़ता है। अरे वो ये थोड़ी पता है कि असली कॉफी तो वो होती है जो शादियों पे मिलती है, वो मशीन में से आवाज ही देगी कैसे निकलती है। बच्चों को पढ़ा लेता हूँ पहले, है देश का भविष्य है। ठीक है, अगर आपने वेल इससे मुझे याद आया कि जूम, भाई साहब जूम पे क्या मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है बच्चों ने, भाई हद करी हुई है। पता है हमारी क्लास में जब मे बी आप लोग मेरी क्लास में अच्छी होंगे तो मुझे देख रहे होंगे, तो प्लीज जो भी ये बदतमीजी कर रहा था ना टीचर्स के साथ यार, वो एक तो अपना टाइम निकाल के हमें पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ ऐसी बदतमीजी मत करो। घुस रहे हो, गालियां दे रहे हो, गालियों से ज्यादा तुम इतने चीप, इतने वल्गर हरकतें, भाई साहब क्यों यार, इतना सुबह तुम उठ रहे हो और ये सब हरकतें कर रहे हो, मत करो ना प्लीज मत करो। तुम लोगों के चक्कर में हमारी क्लास कैंसिल हो जाती है और फिर हमें काफी बुरा लगता है। और एक और बात, तुम लोग हमारे नाम यूज कर करिए जूम पे आ रहे हो, हाँ दैट्स नॉट फेयर। अगर इतना ही दम है तो लाइक शो योर फेस, शो योर नेम और आओ, और फिर करो ना बदतमीजी। हाँ आ रहे हैं
नाम बदल बदल के बदतमीजियां कर रहे हैं, डोंट डू इट. ओके, अगर इतना ही दम रखते हो बदतमीजी करने का तो आओ अपना नाम लेकर आओ और देन करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी. हमारे नाम यूज करने की जरूरत नहीं है. एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो, काफी फनी है एज ऑलवेज. भविष्य थोड़ा खतरे में है, मैं देता हूँ लाके. अभी तो लेके आया था दूध, वैसे भी चाय बनानी है. एक भैंस ही लाके बांधता हूँ बाहर. हाँ पूछ लो अपनी अम्मा से, आती है तो. चाय 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 चाय. सर आप अपना नाम ना चाय पत्ती रख लो, चाय पत्ती. और तुम क्यों 15 मिनट लेट हो? अध्यापक जी मैं रामायण देख रहा था. अच्छा उर्मिला के पति कौन थे? मिस्टर मातोंडकर. रामायण की उर्मिला के आचार्य जी इतना तो मुझे ज्ञात नहीं है. अभी तो मैं उस अंतर कथा तक पहुंचा हूँ जहाँ पे श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं. ठीक है पुत्र, शत्रुघ्न गुस्सा क्यों थे? अब उसकी बेटी को पता ही नहीं. अरे रामायण के शत्रुघ्न नहीं पता, क्योंकि मंथरा ने कई कई के कान भरे थे इसलिए शत्रुघ्न मंथरा पे गुस्सा थे. बेटी अरे मंदिर नहीं मंत्र, तुम दोनों के पढ़ा हूँ. सर मेरे क्यों कॉपी खोलो. सर लेकिन आप सिर्फ हम दोनों की क्लास क्यों ले रहे हो? एक वीडियो कॉल रखता हूँ मैं जिसमें पूरी क्लास होती है बैच वन, और एक अलग से वीडियो कॉल रखता हूँ मैं ये वाली बैच टू जिसमें सारे नालायक होते हैं. तो फिर बैच वन में कौन पढ़ाता है? मैं ही पढ़ा. तुम पढ़ा लोगे मुझसे? ये लाना रोड्स कौन है? बहनों ने बोला बोर हो रहा है तो आ जा. हाँ यहाँ तो मुजरा चल रहा है. अरे वाह तो फीका बीवी ने. चुप करो, ये बहुत जरूरी वीडियो कॉल है. क्यों? कोरोना की दवाई बना रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे. और तुम नंगे क्यों हो? घर में शेरवानी पहनी थी. टी शर्ट भी तो पहन सकते हो. इट्स हिज चॉइस. आप पढ़ा लो, मैं तो देखने. कंसंट्रेशन चाहिए होता है प्राइवेट. सुबह सुबह दिमाग का भोपड़ा मत करो यार. दीदी घर पर है ना? भाभी भी घर पर है. टीम पर काम देता हूँ उसको. काफी मजा आया मुझे, और भी बाकी है बट यू नो ज्यादा हो जाएगा फिर. बट प्लीज आई डोंट नो कि मैं क्या सीरीज देखूं क्या देखूं, बट हाँ इसमें मजा आया मुझे देखने. इसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊं, लाइक यू नो पावर नैप. मैंने इतना मेहनत का काम जो करा है अपने पूरे दिन में. ओके वेल गाइज मैं सो के उठ चुकी हूँ और अब बज रहे हैं 5:30 और मैं करूँगी एक्सरसाइज अपने फिटनेस फ्रीक भैया के साथ. यस मेरा भाई, हाँ वो एक्सरसाइज कराता है मुझे क्योंकि वो एक जिम ट्रेनर है. बाकी आप उसको बाकी मैं उसके बारे में क्या खास बोलूँ. आप पहले उसे उठाते हैं और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी और थोड़ा बहुत उससे ज्ञान भी ले लेंगे क्योंकि अब घर में बैठा है, कुछ तो हेल्प करनी चाहिए ना उसको हमारी. तो हम उसे उठाते हैं पहले और फिर एक्सरसाइज करते हैं. ओके तो ये सोकर उठ चुका है और अब हम करेंगे एक्सरसाइज. तो जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, तो ये मेरा भाई पारितोष और ये एक सर्टिफाइड ट्रेनर है. फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है तो ये मेरा पर्सनल ट्रेनर है. और ओके तो हाय हेलो. ओके तो अगर आपको किसी भी रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज डाइट ऐसे किसी भी तरीके का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, मैं इससे पूछ के आपको बता दूंगी. ओके और बाकी अब हम देखते हैं कि ये मुझे आज का एक्सरसाइज करवाने वाला है. तो लेट्स गो. आओ यू बेताब हूं थोड़ा थोड़ा तुम भी तो हो लो जरा धीरे धीरे आ दोनों दिल मिले जरा जरा मिट जाए. गाइज मेरा वर्कआउट थोड़ी देर और ऐसे ही चलने वाला है. और हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ और वर्कआउट रिलेटेड डाइट रिलेटेड और एक्सरसाइज रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ कि क्या मुझे वो वीडियो बनानी चाहिए या नहीं. हाँ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे होम स्टे सेफ. बाय.